आप सबका बहुत स्वागत है और आज है हमारे टूर का फोर्थ डे एंड आज हम जाने वाले हैं भूटान। तो आप लोग जानते हो कि कल हम आ गए थे बॉर्डर में एंड अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया बॉर्डर में हैं एंड हम अभी ब्रेकफास्ट करके दिन हम निकलेंगे। मैं ऑलरेडी नहा धो के रेडी हो गई हूँ एंड आज मैंने पूरा ब्लैक पहना है एंड आज आप लोगों को पूरा भूटान दिखाएंगे। मतलब पूरा नहीं, हम आज तो वैसे वन ही डेस्टिनेशन है, आज हम एक ही चीज़ देखेंगे वहाँ पे, साइट सीन एक ही करेंगे क्योंकि जाते जाते हमें 3 घंटा लग जाएगा। सो गाइस भाई आया था अभी और वो रेडी हो गया, सब अभी ऑलमोस्ट सभी रेडी हो गए हैं एंड बहुत ठंड है। हमने सारी रात एसी नहीं चलाई थी बट फिर भी स्टिल गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके दिन हम जाने वाले हैं भूटान क्योंकि हमें पास मिल गया है जाने का एंड कुछ तो हो रहा है, हम तो घूम पा रहे हैं, मतलब यही बहुत है। तो दिखते रहो, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि 8:10 हो गया है ऑलरेडी एंड ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया है। सो मैं जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड गाइस देन उसके बाद हम निकलेंगे भूटान के लिए एंड भूटान एंटर करेंगे। सो गाइस देखते रहो और बने रहो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे है ब्रेड एंड जैम, आलू की सब्जी एंड पोहा। बस हम लाइट ही खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे अभी। अभी हम हैं भूटान बॉर्डर में और अभी हमारी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। मतलब हमने हमारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो हमने दिया है, सो वो चेकिंग होगी देन उसके बाद हम एंटर करेंगे। सो गाइस एंटर करने के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, फिलहाल तो मैं बॉर्डर में बैठी हुई हूँ भूटान के। आप देखते रहो और स्टिल हम वेट कर रहे हैं भाई। তো আমরা সবাই এখানে ওয়েট করছি, বাস পাঁচটা এসে যাক। এইসব যাওয়ার প্ল্যান কার ছিল বলো বলো? এই প্ল্যান ছিল এই ছিল যে ভুট্টা কেটে যেয়েছে, একমাত্র তুমি তুমি এই প্ল্যানে সামিল। সবাই ছিল देखले और आश्चर्य। गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर गए हैं भूटान के अंदर। अबाउट 35 to 40 मिनट्स हम लोगों को वेट करना पड़ा क्योंकि चेकिंग चल रही थी और ये है पूरा बॉर्डर इलाका। फाइनली एंटर कर गए हैं और अभी हमारा जो बस है वो किधर है हमें पता नहीं और हमारा गाइड है वो हमें लेके जा रहे हैं बस की तरफ। तो अभी हम बस में उठेंगे देन हम जाएंगे। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। थिम्पू जाएंगे, हाँ देन हम जाएंगे थिम्पू, देन वहाँ पे जो एक साइट सीन है वहाँ आज एक ही साइट सीन करेंगे हम, देन उसके बाद हम जाएंगे रिजॉर्ट। तो वहाँ जाके मतलब होटल जाएंगे, वहाँ जाके हम रेस्ट लेंगे। तो आज का दिन कैसा जाएगा वो पूरा आप लोगों को दिखाएंगे व्लॉग में। तो गाइस देखते रहो और बने रहो। गाइस फाइनली हम लोग उठ गए हैं बस में और हम लोग निकल गए हैं थिम्पू जाने के लिए जो कि है भूटान की राजधानी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा प्लेस है जो कि हम लोगों ने सुना है, तो जाने के बाद ही पता चलेगी। सो वैसे तो यही बॉर्डर इलाका है जो कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद ही जाने में 4 से 5 घंटा लग जाएगा। सो बीच में हम एक जगह पे जाके लंच करेंगे देन उसके बाद फिर से हम निकल जाएंगे थिम्पू के लिए क्योंकि जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। सो मैं जाते जाते जो भी साइंस सीन वगैरह देखूंगी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा और इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो गाइस भूटान आने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे वो तो आपके मन में ख्याल आया ही होगा मेरा ब्लॉग अगर आप लोग देख रहे हो तो।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको आई कार्ड लानी होगी, और अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको लगेगी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, और इसके सिवाय आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह नहीं लगेगी। और एक बात, अगर आप भूटान में नाइट स्टे करने वाले हो, तो फिलहाल सभी करते हैं और आप लोगों भी करोगे, सो पर पर्सन 1200 रुपये लगते हैं पर नाइट। सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप भूटान घूमने आओगे तो। और गाइस, अगर आप भूटान आने की प्लान कर रहे हो सो आप वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का कुछ पैकेज है, आप उसी से आना। सो आपको ना ज़्यादा फायदे होंगे क्योंकि आपको वहाँ से एक गाइड मिल जाएगी जो कि आपको सब कुछ समझा देगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो कि हमें भी नहीं आई थी। सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जगह देखने में एंड घूमने में। सो आप लोग टूर एंड ट्रेवल्स कर लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा। सो अभी हम फिलहाल तो जा रहे हैं लंच के लिए, सो लंच करने के बाद हम फिर से निकलेंगे। सो गाइस, देखते रहो और बने रहो क्योंकि यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है। सो मैंने ज़्यादातर व्यू कैप्चर की आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी हम यहाँ पे आए थे लंच करने और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर डॉगीज। जोबा सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डॉगीज गाइस, हाउ क्यूट व्यू, नाइस व्यू। एंड हियर इज द रेस्टोरेंट, और यहाँ पे गाइस कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स है, देखो गाइस बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स है यहाँ पे, वेरी नाइस प्लांट्स। ये फ्लावर पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। कितनी सुंदर है, वाओ वेरी नाइस। मम्मी खड़ी है, कितनी सुंदर पप्पी, कितनी सुंदर डॉगी गाइस, कितना प्यारा है ये। सबसे गोलू मोलू सा है, सबसे गोलू मोलू सा, मोटू सा, सब तो कमेंट देनी मैं। The decoration, देखो कितना क्यूट है, कितना क्यूट है रेस्टोरेंट, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह है एंड ऑल्सो बियर, एंड यहाँ पे प्लांट्स है गाइस, कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स। ये चेरी है, चेरी प्लांट है, वाव चेरी। यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब प्लांट्स है। यहाँ पे यहाँ का व्यू देखो आप, ये रेस्टोरेंट से, वाओ नाइस व्यू, व्हाट अ व्यू गाइस, वेरी नाइस गाइस। तो अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा है रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉगीज कितने प्यारे हैं एंड यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट्स वैसे तो मुझे लेना है प्लांट्स, मैं लेके ही जाऊँगी कुछ ना कुछ। और अभी हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस देखते रहो और बने रहो। आ गया है हमारा चिकन थुप्पा, तेरा बोला अलग क्यों है, तूने क्या नॉर्मल वाला लिया, सूप ही नहीं लिया, सूप का गया खा गया बेचारा। अच्छा फ्राइडे फ्राइड राइस है इसका, इसका भी चिकन थुप्पा, कैसा है भाई? अच्छा है। कैसा है पूछूं? अच्छा, तूने खाया अभी तक? नहीं होगा तो टेस्ट कर ले, मैं भी टेस्ट करती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने पोर्क ट्राई किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है खाने में पोर्क। हमने नहीं किया, जो नहीं खाना खाएगा नहीं, नहीं अच्छा है ये, मैंने पहली बार ट्राई किया तो अच्छा है, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा था, मतलब वो मटन जैसा ही टेस्ट करता है, ज़्यादा च्यूई है ये और ज़्यादा इसमें फैट है। हाँ सो गाइस अच्छा था, मुझे तो पहले खाना नहीं था बट मैंने खा लिया।
दो पीस खा लिए, अच्छा था वैसे। और मैंने तीन पीस खाना ही नहीं, बस उसने खाया ही नहीं, खाया भी खाया सबने, खाया अच्छा था बहुत, मतलब टेस्ट इज नाइस, अच्छा था बहुत। सो अभी हमने अपना लंच कर लिया है, अभी हम निकलेंगे फिर से हमारे डेस्टिनेशन के लिए। सो गाइस देखते रहो और बने रहो, ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। फाइनली हम लोग बैठ गए गाड़ी में, हमारी पहले वाली जो गाड़ी थी वो खराब हो गई थी, हम लंच करने गए थे जिस होटल में वहाँ पे खराब हो गई थी, तो नेक्स्ट ये गाड़ी आई है। एंड दो घंटे बाद फिर से हम आए हैं गाड़ी में, अभी तक अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो हम चले जाते होटल में, 2 से 2.5 घंटा लगता था, बट क्या करें अभी हम जा रहे हैं। एंड जाने के बाद मैं होटल में जाके व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। दोस्तों गाइस देखते रहो और बने रहो। एंड सभी यहाँ पे हैं, तो गाइस देखते रहो और बने रहो। Thousand years later. Finally, हम आ गए हैं होटल और अभी हम थोड़ा सा चाय और बिस्किट खा रहे हैं एंड हमने चिप्स भी खाई। सो रूम अभी तक हमें नहीं मिला, मतलब कीज हमने ले ली है बट नहीं गए रूम अभी तक, तो रूम जाके हम दिखाएंगे कि रूम कैसा है। एंड यहाँ पे हम सब लोग चाय पी रहे हैं, सो गाइस चाय पीते हैं देन रूम में जाते हैं एंड देन व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं, तो देखते रहो और बने रहो। गाइस ये टीम सभी हम बैठे हैं अभी, কি করছি এরকম করে চা খাই কি, আরে গরম টেস্ট করছি, চিনি লাগে কি লাগবে না, এখন সব কি উগুলো নিজে খেয়ে নে, ঠিক আছে। আগে হে আমারে রুম মে আর আমারা রুম আপ লোগ কো দিখা দেতে, সো ইয়ে হে আমারা রুম, তবে টিভি হে, ইয়াহ পে এক সোফা হে সিঙ্গল জিসকে উপর মানে আপনা লাগেজ রাখ দিয়া, ইয়াহ পে এক সেন্টার টেবিল হে, यहाँ पे भी एक सिंगल सोफा है, ये रूम हीटर है, यहाँ पे 2 सिंगल बेड्स हैं और यहाँ पे और एक सिंगल बेड उन लोगों ने दे दिया है क्योंकि हम 4 लोग यहाँ पे सोने वाले हैं, मैं दी पूछू एंड बॉक्सा, हम 4 सोने वाले हैं। सो यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे है वार्डरोब, बंद क्यों होता है ये, यहाँ पे वार्डरोब, वॉशरूम हम लोगों का, सिंक, मिरर, टॉयलेट, ओके दैट्स इट। एंड सभी के वॉशरूम बराबर एक की है एंड इसका जो लाइट है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, रूम बहुत अच्छा है एंड हम लोग को अच्छा भी लगा। और बेड्स भी हम लोगों ने सोचा था कि बेड्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे हमें, बट यहाँ बेड्स भी अच्छे हैं और क्लब महिंद्रा जैसा, ओके। एंड रूम भी बहुत अच्छा है, हम नीट एंड क्लीन, हाँ यहाँ की जो खासियत है कि ये लोग बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहते हैं और यहाँ पे आप लोग आओगे तो जोर से मत बात करना, यहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे बात करते हैं, ओके हम इंडिया वाले क्या शाउट करते हैं ना ये सब बोलते हैं, फिर भी करेंगे और बार बार वो हमको वार्न करेंगे जो भी है। सो हाँ, और यहाँ पे चल रहा है IPL, जो कि यहाँ पे एक सपोर्टर भी है मेरी कजन सिस्टर बंदरिया घुटियाली जिस ये के हार का मतलब के हार का फैन है एंड आते ही इसने टीवी ऑन कर ली बंदरिया कई की, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हार जाएगी ना अच्छा होगा आज, ला 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 ला। तो यहाँ पे संजू, यहाँ पे गाइस बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और यहाँ पे जो अरे वही तो वार्डरोब मुद्दे का ना एक कौन है,
और यहाँ पे ना दिसंबर मंथ में स्नोफॉल भी होता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। हाँ वो जो यहाँ पे ट्रस्ट ऑफ काम करते ना, उन्होंने बोला यहाँ पे स्नोफॉल होता है एंड यहाँ पे अभी भी गाइस बहुत ठंड है। मुझे तो लग रहा है कि 10 डिग्री तो होगा ही ना यहाँ पे, इससे कम भी हो सकता है। 10 डिग्री जब था ऊपर में सभी था, तो अब 8 हो सकता है। हाँ गाइस, और मैं लिटरली ये पतला एक स्वेटर पहन के बैठी हूँ। तो अभी हम फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने। सो डिनर अभी बुफे में ही है, एज यूजुअल हमारा जैसा होता है वैसा ही है। एंड यहाँ पे हम जब आ रहे थे, पहाड़ इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ थक तो गए हैं हम, बट व्यू बहुत अच्छा था। एंड लेट हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई थी, मतलब वो जो बैटरी ख़राब हो गई थी, तो हमें कार चेंज करना पड़ा। एक न्यू बस आया था सो उससे हम आए हैं एंड आते आते रात हो गई है। ठीक है, हम या फिर हम दोपहर में आ जाते और यहाँ पे थोड़ा सा घूम सकते थे, बट वो नहीं हो पाया। रात को ही हम सारी जगह पे आ रहे हैं, क्या हुआ है हमारे टूर को पता नहीं, किसकी नजर लग गई। भूटान बहुत जो भी है, बहुत क्लियर सिटी भी है। नहीं मैं तो वीडियोस ही नहीं बनाती। नहीं नहीं गाइस, मैं आप लोगों को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, आप तो वेट कर दो, बट मैं ही वीडियो नहीं डालती। ओके कोई नहीं, मैं घर जाते ही वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आप देखते रहो और बने रहो, डिनर में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कल का व्लॉग भी शूट करूंगी। एंड कल ही हम साइट सीन करने जाएंगे फाइनली गाइस। हम आए हैं 3 तारीख को, 3, 4, 5, 6 मतलब 4 दिन पूरा बेकार गया, पूरा ही बेकार। और कल 7 तारीख है, 7 तारीख है, कल हम फाइनली घूमने जाएंगे। 7, 8 और 9 घूमेंगे, देन उसके बाद 10 तारीख को रिटर्न एनजीपी से कोलकाता। हावड़ा ना, एनजीपी हावड़ा ही मंदिर। सो गाइस देखते रहो और बने रहो। गाइस अभी हम करने आए हैं डिनर एंड डिनर में क्या क्या है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। एंड रूम कैसा लगा बताना कमेंट में। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सो आई थिंक डिनर करेंगे और डिनर में क्या क्या है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस देखते रहो और बने रहो। सो गाइस यहाँ पे है चपाटीज, स्टीम राइस, चिकन करी, दाल फ्राई एंड पापड़ सलाद एंड मिर्ची लाई हूँ मैं अपने लिए। और यहाँ पे थी फूल गोभी और एक क्या यहाँ पे भूटानी एक डिश थी, बट मुझे नहीं खाना सो मैंने नहीं लाई। अच्छा है, ओके सो मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। सो मैं ये पहले प्लेट ख़त्म कर ली थी, दिन में लाती हूँ। सो मैं खाती हूँ एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, खाना बहुत अच्छा है एंड दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इन्होंने तो खाना स्टार्ट कर दिया, बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस देखते रहो।